जय हिंद साथियों, मैं निर्देश कुमार आपका मनीष एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो जुड़ेंगे सभी लोग एक साथ और सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए जियोमेट्री लेके आए हैं, ठीक है। इसमें आपको पॉइंट लाइन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रेखा रेखा खंड इसके बारे में देखेंगे आज। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे एक बार, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सभी लोग एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। बीच 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 में कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहते हैं, लास्ट तक कमेंट चलते रहते हैं, ठीक है, कमेंट नहीं करेंगे। यदि आंसर देना है आंसर देंगे, इसके बाद कमेंट नहीं करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। और जुड़ेंगे सभी लोग, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ें, ठीक है। बाद में समझ में नहीं आता है, बातें करते हैं तब तक ध्यान बढ़ जाता है, फिर तब तक सवाल पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, जितनी कमेंट की ज़रूरत है उतनी ही करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे आगे इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आपके जियोमेट्री में, आपके जियोमेट्री में बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल, इससे रिलेटेड इसमें जो भी हैं थोड़ा बहुत वही देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु की, बिंदु क्या होता है, ठीक है। बात करें बिंदु की, तो बिंदु क्या होता है, बिंदु आप देखेंगे, बिंदु का क्या काम क्या होता है। बिंदु का जो काम होता है वो किसी कोई वस्तु है या कुछ भी है उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। किसका? बिंदु का, ठीक है। बिंदु का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसी भी वस्तु या किसी का भी संकेत दर्शाने के लिए बिंदु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बिंदु प्राप्त कब होता है, आप किसी बारीक पेंसिल से या किसी से भी, यदि आप किसी तल या पेज पर आप ऐसे करते हैं, रखते हैं, तो आपको एक बिंदु प्राप्त होता है, ठीक है। समझने के लिए कह भी सकते हैं कि आप कोई पेज लें और पेन लें, पेन से उसमें होल करें, ठीक है, तब भी आपको वह एक बिंदु प्राप्त होता है। कह सकते हैं कि बारीक पेंसिल द्वारा किसी तल पर रखने पर जो बिंदु प्राप्त होता है, रखने पर आप रखेंगे एक बार ऐसे रखेंगे, जो बिंदु प्राप्त होता है, रखने पर जो बिंदु प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है उसे बिंदु कहते हैं। जो प्राप्त होता है क्या कहते हैं, प्राप्त होता है बिंदु कहलाता है, ठीक है। समझना है, इसमें कुछ नहीं, आपको ये अवधारणाएं याद रखनी है, ठीक है। आपके बेसिक है तो बेसिक आपको सीखना है कि बच्चों को कैसे सिखाना है। तो कुछ नहीं, बारीक पेंसिल द्वारा किसी तल पर रखने पर जो जो प्राप्त होता है वो बिंदु प्राप्त होता है। ऐसे व्हाइट बोर्ड है, इस पर मैंने रख दिया, देखो, ठीक है। तो आप देखेंगे ये आपको बिंदु प्राप्त हुआ, ठीक है, एक बार रखा ऐसे, देखो बिंदु प्राप्त हुआ, इसी को क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो बारीक पेंसिल द्वारा किसी तल पर रखने पर या बारीक पेंसिल द्वारा करने पर ऐसे, तो आपको बिंदु प्राप्त होता है, ठीक है। बिंदु में नोट में एक याद रखना, बिंदु की ना तो कोई आकार नहीं होता है, बिंदु का आकार नहीं होता है, आकार नहीं होता, आकार नहीं होता मतलब है ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती, ना तो ऊंचाई होती है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है इसमें, ठीक है, एकदम है। अब इसमें क्या आप कह सकते हैं कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, तो ना के बराबर। बिंदु में आकार नहीं होता मतलब लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, ठीक, ना ही मोटाई होती है। और बिंदु में क्या याद रखना है, बिंदु को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, ठीक है, कैपिटल लेटर यूज होते हैं आपके, ठीक है, क्या यूज होते हैं, कैपिटल लेटर का। जैसे कोई बिंदु दे दिया, यहाँ है यहाँ है, तो उनको कैपिटल लेटर ए है सी है, तो कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। कभी भी आपके ये ए यानी स्मॉल लेटर या बी इस प्रकार से नहीं डिनोट किए जाते हैं, ठीक, ये याद रखेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किए जाते हैं। तो देखेंगे आगे,
तो बस याद रखना, बिंदु किसी के बारीक पेंसिल द्वारा किसी तल पर रखने पर जो बिंदु प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है बिंदु कहते हैं। बिंदु का कोई आकार नहीं होता है, कैपिटल लेटर में ऐसे कैपिटल लेटर द्वारा मतलब कैपिटल लेटर अक्षरों जो ए बी सी डी है इस वर्णमाला का प्रयोग होता है, ठीक है। यह हमेशा स्थिति को बताता है, यह हमेशा स्थिति को बताता है, ठीक है, और कुछ काम नहीं होता, स्थिति को बताता है। तीन चीज़ें इसमें याद रखना फैक्ट, ठीक है, ना तो आकार होता ना कुछ होता है, कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह हमेशा स्थिति को बताता है। इतना ही है आपके इसमें बिंदु में, इसको नोट करेंगे आप लोग जल्दी से, फिर देखेंगे आगे, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे, ठीक है, समझ लिया। कुछ नहीं था इसमें, बारीक पेंसिल द्वारा किसी तल पर रखने पर जो प्राप्त होता बिंदु भी प्राप्त होता है। इसका साइन तो सभी लोग जानते हैं, देखो साइन तो यही होता बिंदु, ठीक है, ये बीच में जो है तो इसको बिंदु बोलते हैं, ठीक है। बिंदु में आकार होता ना आकृति, इतना याद रखना, इतना लिख देंगे आपको, यदि पूछा भी जाएगा और समझाने के लिए भी आप समझा सकते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे फिर। कह सकते हैं किसी बिंदु के, किसी बिंदु बिंदु को बाईं तथा दाईं तरफ बढ़ाने पर, बाईं तथा दाईं तरफ, बाईं ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ये वाला बाईं, बाईं तथा दाईं दाईं तरफ बढ़ाने पर जो प्राप्त का आपको रेखा ही प्राप्त होती है, जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, होता है उसे रेखा, ठीक, या सरल रेखा, बात एक ही है, ठीक है, या सरल रेखा कहते हैं, समझ लेंगे। किसी बिंदु को बाईं तथा दाईं तरफ बढ़ाने पर, ठीक है, बाईं और दाईं तरफ बढ़ाने पर जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखा, रेखा या सरल रेखा कहते हैं, ठीक है। कोई बिंदु है आपका, जैसे ये बिंदु है, इसके आप दाईं तरफ बढ़ाएं, ठीक है, और बाईं तरफ बढ़ाएं, आप देखेंगे आपको क्या एक रेखा प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो किसी बिंदु को बाईं तथा दाईं तरफ बढ़ाने पर, यहाँ पर लिख लेंगे तरफ बढ़ाने पर, ठीक है, तरफ बढ़ाने पर जो प्राप्त होता है उसे हम सरल रेखा कहते हैं, ठीक है। इसमें और क्या याद रखना, सरल रेखा में इसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु नहीं होता है, ठीक है। सरल जो रेखा होती है उसका ना तो इनिशियल पॉइंट होता है, ना तो लास्ट वाला जो होता है वो, ठीक है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु नहीं होता, मतलब प्रारंभिक पता नहीं होता है कि प्रारंभ कहाँ से और अंत कहाँ से हो रहा है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम छोर नहीं होता है, ठीक है, लिख लेंगे। किसी रेखा का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु निर्धारित नहीं होता है, ये लिख लेंगे, ठीक है। रेखा की लंबाई अनंत होती, मतलब निश्चित नहीं होता रेखा कहाँ तक जाती है, और रेखा बिंदुओं का समुच्चय होता है। ये तीन चार पॉइंट होते हैं आपके, इन्हें नोट करना रहता है, ठीक है, लिख लें, देखेंगे आगे। रेखा का कोई प्रारंभिक व अंतिम बिंदु नहीं होता, रेखा का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु नहीं होता, ठीक है, अंतिम बिंदु नहीं होता, रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया भी जा सकता है, रेखा है, रेखा को दोनों तरफ बाईं या दाईं तरफ दोनों तरफ बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है, रेखा में अनंत बिंदु स्थित होते हैं, अनंत बिंदु स्थित होते हैं, ठीक है, कोई रेखा है उसमें अनंत बिंदु स्थित होते हैं, ये भी याद रखना है, अनंत बिंदु स्थित होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि किसी
किसी बिंदु को दाएं या बाएं तरफ बढ़ाने पर जो प्राप्त होता है, ये इस तीर का मतलब यही होता है कि ये रेखा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये तीर जो लगे होते हैं इनका मतलब ये होता है कि रेखा को बढ़ाई जा सकती है। समझते हैं, किसी बिंदु को बाईं तथा दाईं तरफ बढ़ाने पर जो प्राप्त होता है उसे हम रेखा कहते हैं। ठीक है, रेखा का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु नहीं होता है, रेखा में अनंत बिंदु स्थित होते हैं। ठीक है, अनंत बिंदु और रेखा बिंदु का समुच्चय होता ही अनेक बिंदु स्थित होते हैं। ठीक है, रेखा में तो कह सकते हैं रेखा में अनंत बिंदु स्थित होते हैं। इसका ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है ना अंतिम पॉइंट होता है। ठीक है, चलते रहते बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो रेखा की बात हो गई, आपने रेखा समझ ली, रेखा में क्या होता है इसमें आपको कुछ नहीं, बस थ्योरी ऐसी पढ़नी रहती है। तो बिंदु को दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों तरफ बढ़ाने पर आपको रेखा प्राप्त हो जाती है। ठीक, कोई बिंदु स्थित है, दाईं तरफ बाईं तरफ बढ़ाएं तो आपको रेखा प्राप्त हो जाती है। इसीलिए पहले बिंदु पढ़ाया जाता है, इसमें बताया जाता है बिंदु क्या होता है। बात करें रेखाखंड की, किसकी बात करें, रेखाखंड की, मार्क नहीं चल रहा, कितने रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड क्या होता है। ठीक है, बात करें रेखाखंड की तो रेखाखंड किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, कोई ए और बी बिंदु हैं। ठीक है, इनको मिलाने पर ये जो प्राप्त तो रेखा होती है, लेकिन इसमें निर्धारित है। ठीक है, इसमें क्या निर्धारित है, अब जैसे आगे भी इस लाइन को बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ पर सी है, तो इनके जो बीच की दूरी है, जो ये दूरी है, ठीक है, ये इतनी दूरी है, ये तो ये दूरी निर्धारित है। ठीक है, ये दूरी निर्धारित है, तो कह सकते हैं इनको क्या कहते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम रेखाखंड बोलते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, बिंदुओं के बीच, चल क्यों नहीं रहा मारकर, देखेंगे रेखाखंड किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी रेखाखंड कहलाती। ठीक है, रेखाखंड कहलाती। कोई दो बिंदु हैं, उनके बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। इसमें दूरी निर्धारित होती, दो बिंदु हैं इनके बीच, मतलब इनकी दूरी निर्धारित होती। ठीक है, इनके बारे में पता होता कि ए से बी तक इतना है ये। ठीक है, इसमें बी से सी कोई है, जैसे बाई ले लिया, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी निर्धारित रहती है कि यहाँ पर बी तक है, यहाँ तो ए से शुरू हुआ है। ठीक है, इनका तो पता चल जाता है, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, ए से शुरू हुआ, बी से खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर बिंदु है ये, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है इसी को रेखाखंड कहते हैं। किसी भी पाइप है या कुछ भी है, उसको बीच उससे काटते हैं तो जो प्राप्त होता है रेखाखंड, पूरा था कोई एक खंड प्राप्त हो, खंड का मतलब भाग होता है, खंड का मतलब क्या होता है, भाग, किसी भी चीज़ का एक भाग कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, खंड कहते हैं। तो एक रेखा की जब खंड कर दी तो रेखाखंड कहलाया। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। इसको आप देख लेंगे, आगे देखेंगे, बात करेंगे तल की। ठीक है, तो रेखाखंड हो गया, आप आगे बात करेंगे तल की। रेखाखंड में क्या, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है उसी को हम रेखाखंड बोलते हैं। आगे बात, आगे देखेंगे तल के बारे में, तल क्या है। ठीक है, तो किसी संरचना की पतली परत, किसी संरचना की, संरचना की पतली परत, ठीक है, पतली परत तल कहलाती है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है,
कहलाती। किसी संरचना की पतली परत होती, कोई भी संरचना है यदि आप देखेंगे, ठीक है, कोई भी बॉक्स है, कुछ भी है, यदि उसके ऊपर वाली जो परत देखें काफ़ी ज़्यादा मोटी तो होती नहीं, पतली होती, तो उसी को हम तल बोल सकते हैं। किसी संरचना की पतली परत को तल कहलाती है, ठीक है, किसी संरचना की पतली परत तल कहलाती है, ठीक है। तल में कुछ भी, तल में बिंदु स्थित होते हैं, ठीक है, तल में बिंदु स्थित होते हैं, इनसे अनंत रेखाएं, इसमें फैक्ट होते हैं, दो तीन फैक्ट होते हैं कि किसी तल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसमें यदि फैक्ट देखें, इसकी मोटाई का, मोटाई तो ना के बराबर ही होती है तल की, ठीक है, तल की मोटाई ना के बराबर होती है, ज़्यादा नहीं होती, पतली सी होती, तो किसी संरचना की पतली परत को हम क्या कह सकते हैं, तल कह सकते हैं। किसी भी बॉक्स के देखेंगे तो बिल्कुल पतली सी परत होती तो क्या कहलाती, तल कह। कापी का जो ऊपर वाला पृष्ठ होता है वो भी एक तल के समान ही होता कह सकते हैं, ठीक है। तल में, किसी तल में स्थित, किसी तल में स्थित एक बिंदु से, स्थित एक बिंदु से, बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, रेखाएं खींची जा सकती हैं, यही बनते हैं एक आध क्वेश्चन, ठीक है। किसी तल पर, तल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं, किसी तल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक लाइन खींची जा सकती हैं। तल से बस यही रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बनते हैं, और भी देखेंगे यदि होंगे आपके तो बताएंगे, अभी तो इनमें तो दो ही लिखे हुए हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। और कल क्लास में यानी पहले बताया भी था कि किसी तल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएँ खींची जा सकती हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, तल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच एक लाइन खींची जा सकती है, दो बिंदुओं के बीच बीच केवल एक लाइन खींची जा सकती है, केवल एक रेखा, ठीक है, एक रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, सकती है, ठीक है। तल में इतनी दो चीज़ें नोट कर लें, किसी तल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच तल में स्थित, ये ध्यान रखना, इसमें भी तल आए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच तल में स्थित किन्हीं दो बिंदु, लिख लेंगे शुरू, तल में स्थित, ठीक है, लिख लेंगे आगे, तल में स्थित स्थित किन्हीं बना लेंगे, ठीक, तल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक रेखा खींची जा सकती, बस इतना नोट कर लेंगे, इसमें काफ़ी बच्चों सभी को लगभग पता ही है। फिर आगे बात करेंगे तो तल किसी संरचना की पतली परत को हम तल कहते हैं, ठीक है, तल में कुछ नहीं, किसी संरचना है कोई उसकी पतली परत को ही हम तल कहते हैं। आगे देखेंगे, इनको एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, नोट करते रहेंगे, ठीक है, जो नहीं पता वो नोट कर लेंगे। किसी तल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं, इनमें से दो में से आपका देखना कोई ना कोई एक मिल ही जाएगा, ठीक है, यदि आया तो इनमें दो में से कोई एक ना एक मिल जाएगा, इनको जरूर नोट कर लेंगे। फिर आगे देखेंगे, तो किसी तल में स्थित एक बिंदु स्थित है तो असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, मतलब उसका ये था कि कोई बिंदु एक स्थित है तो उससे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, और जब निर्धारित हैं दो बिंदु तो एक ही लाइन खींची जा सकती है, तो दोनों कन्फर्म हो गए, ठीक है, कोई बिंदु एक स्थित है उस पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, और कोई दो बिंदु निर्धारित कर दे तो उनमें एक ही रेखाएं खींच पाएगी बीच। आगे बात करें यदि तलखंड की, तलखंड की बात करें तो तल का समझ सकते हैं इसी से, तल खंड, किसी तल का एक खंड तलखंड कहलाता है, किसी भी तल का खंड, किसी तल का खंड तलखंड कहलाता है, ठीक है, बात करें कोई भी तल है, ठीक है, तल है ये, इसमें दो तल है, इसमें बीच में कर दें तो एक तल ये हो गया तल, तो बीच में काट दिया तो इसके खंड हो गए, एक ए तल बी तल, ठीक है, कह सकते हैं तल
तले अलग अलग तल हो जाएंगे, ठीक, पार्ट डिवाइड हो जाएंगे किसी तल खंड का मतलब भाग ही होता है, तो रेखाखंड है, तलखंड है, रेखा के भाग कर दे खंड कर दे तो रेखाखंड हो गया, तल के खंड कर दे तलखंड हो गया, ठीक है, तो कुछ नहीं, किसी तल के खंड कर दे तलखंड कहलाता है, तो इसमें कोई रटने वाली बात थोड़ो, इसको तो आप समझ सकते हैं, एक बार पढ़ने की ज़रूरत है बस, ना कोई इतनी बड़ी चीज़ है कि आप याद नहीं कर सकते, समझना है। आगे देखेंगे, आगे यदि बात करें वक्र यानी कर्व, ठीक है, यदि हम वक्र की बात करें तो वक्र क्या होता है, तो देखेंगे यदि कोई लाइन, यदि कोई रेखा है, यदि सीधी नहीं है, कोई रेखा है यदि सीधी नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं, यदि कोई रेखा सीधी नहीं तो कैसे हो सकती है, वो वक्र हो सकती है, ठीक है, कोई रेखा यदि सीधी नहीं है, ये रेखा मान लो सीधी होती, यदि कोई रेखा सीधी नहीं है, ठीक है, मुड़ गई तो क्या कहलाती है, इसी को तो कर्व कहते हैं, ठीक है, वक्र बोलते हैं, कोई रेखा यदि सीधी नहीं तो कह सकते हैं, यदि कोई रेखा सीधी नहीं जाती तो कैसी जाएगी, वक्र नुमा जाएगी, सीधी रेखा ये है, आगे जाके ऐसे मुड़गी, ठीक है, ऐसे मुड़गी तो ये क्या वक्र बना रही है, तो यदि रेखा कोई सीधी नहीं है, तो यदि सीधी रेखा नहीं तो आपको क्या प्राप्त होता है हमेशा, यदि रेखा कोई सीधी नहीं है तो आपको हमेशा वक्र प्राप्त होता है, ठीक है, तो वक्र में समझने के लिए कुछ नहीं है, जैसे आपकी गेंद होती है, ठीक है, क्या होती है, गेंद होती है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, वक्र में कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें यदि रेखा सीधी नहीं होती, रेखा वक्र तो होती है रेखा एक, लेकिन वो सीधी नहीं होती, वक्र एक रेखा होती है लेकिन वो सीधी नहीं होती, ऐसे जाके मुड़ गई, ठीक है, तो कर्व नुमा बन गई, ठीक है, ऐसे कर्व नुमा बन गई, तो ये रेखा नहीं है, एक सीधी रेखा ना होकर देखो ऐसे जाना था ऐसे, लेकिन ऊपर हो गई, तो ये आपको कर्व प्राप्त होता, ऐसे जो बने होते कर्व होते हैं, ठीक है, ऐसे नुमा ऐसे, तो ये आपको कर्व प्राप्त होते हैं, ठीक है, कोई रेखा यदि सीधी नहीं है तो आपको कर्व प्राप्त होता है, तो कर्म में कुछ नहीं देखना, इसमें दैनिक जीवन में उपयोग पूछ सकता है कि गेंद, गेंद जो होती है आपकी गेंद, गेंद होती है तो गेंद की आकृति कर्व नमा होती, ठीक है, वक्र नमा होती है, ऐसे ऐसे होती गोल करके, ठीक है, ऐसी चीज़ फुटबाले हैं, गेंद हैं, तो ये वक्र नमा होती है, इनका उपयोग पूछ सकता है, परिभाषा के लिए कुछ नहीं, जब कोई रेखा सीधी नहीं जाती तो कर्व बन जाती, कोई रेखा यदि सीधी नहीं खींचेंगे, लिखने के लिए लिख सकते हैं, यदि कोई रेखा सीधी नहीं जाती तो क्या बना देगी, कभी भी आप सीधी रेखा समझ सकते हैं, कोई सीधी रेखा नहीं है तो क्या कुछ और कुछ थोड़ा बना पाएगी, वक्र ही बना पाएगी सीधी ना जाए, ठीक है, उदाहरण के लिए देख सकते हैं, दैनिक जीवन में जो उपयोग है तो गेंद है, ये चीज़ें हैं जो गोल हैं, ठीक है, आगे देखेंगे, जैसे आपकी बाल्टी भी होती है, ठीक है, बाल्टी के ऊपर जो होता है नहीं गोल मुंह जो बाल्टी का होता है, वो भी कर्व नुमा होता है गोल, ऐसा ऐसा करके होता है, ठीक है, बाल्टी का जो ऊपर मुंह होता है, ठीक है, तो वो भी एक कर्व नुमा है, ठीक, तो इसमें तो आपको वक्र और कर्व, कर्व वक्र को ही बोलते हैं, ठीक, कर्व इंग्लिश में बोल दिया कर्व। आगे बात करें यदि आपकी हम, ठीक है, आगे बात करें किरण, किरण सभी लोग जानते हैं, ठीक है, किरण क्या होती है, आपने कभी भी छोटे पे टॉर्च देखी है, टॉर्च जब टॉर्च लगाते हैं, ठीक है, टॉर्च से सीधी किरणें निकलती हैं, तो इसमें ये होता है कि आपका एक जो पॉइंट है, एक पॉइंट निश्चित होता है, ठीक है, एक पॉइंट आपका मतलब जहाँ से ये लाइट निकल रही है, तो इसमें एक बिंदु तो निर्धारित होता है, ठीक है, और आगे जाकर के फैल जाती हैं, तो किसी एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें वो आगे जाके समांतर हो जाएं, मतलब चली जाएं किसी निश्चित बिंदु से, कह सकते हैं किसी निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें किसी निश्चित बिंदु से चलने वाली वाली रेखाएं, जो रेखाएं होती कह सकते हैं, रेखाएं जो किसी निश्चित बिंदु से चलने वाली रेखाएं क्या कहलाती, किरण कहलाती, ठीक है, ये रेखाएं तो हैं, चल रही सीधी, ऐसी जा रही सीधी, ये जा रही एक बिंदु से निकली लेकिन सीधी जा रही, तो क्या कहलाती, किसी निश्चित बिंदु से
चलने वाली रेखाएं किरण कहलाती। उदाहरण समझो, परिभाषा को याद ना करो तब भी आप बना सकते हैं, ठीक है? आपने खूब याद है, उदाहरण भी है टॉर्च का, सीधा टॉर्च है, बल्ब लगा होता, ऑन किया तो सीधी एक बिंदु से निकल रही, सीधी आगे सीधी जा रही, तो किसी निश्चित बिंदु से चलने वाली रेखाएं क्या कहलाती? किरण रे कहलाती, ठीक? कुछ समझने का है नहीं, तो ये उदाहरण याद रखिए, किसी निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें या रेखाएं, किसी निश्चित बिंदु से चलने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? किरण कहलाती हैं। किरण का एक निश्चित बिंदु होता है, ये तो सभी को पता है। तो उसमें कोई समझने वाली बात थी नहीं, ठीक? तो इसमें किरण तक तो हो गया, आपको कुछ पूछा नहीं जाए, ऐसे ही परिभाषा अरभाषा में पूछ सकता कि किरण क्या होती, पहली बात तो, ठीक है? और यदि उदाहरण दे सकता है कि टॉर्च जो निकलती हैं तो क्या निकलती हैं, किरण निकलती है, तो सभी लोग बता देंगे, ठीक है? तो इनको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इनकी परिभाषाओं को देखना है, समझना है बस, किरण क्या होता है, ये रेखा क्या होती है। वैसे परिभाषा में पूछो तो याद नहीं रहती, लेकिन बस यह है कि आप एक टीचर की योग्यता के लिए आपको ये चीज़ें छोटी छोटी बच्चों को बताने के लिए पता होनी चाहिए। आगे देखेंगे, आगे अब बात करेंगे कोण की, ठीक है? इसमें तो आपके कुछ है ही नहीं, ठीक है? बात करें यदि कोण के, तो कोण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है? मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, ठीक? यदि मुख्यतः लिखकर आ जाए तो 5 प्रकार लिखेंगे, ठीक है? अगर साधारण आ जाता कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, तब तो 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है? कोण कितने प्रकार के होते हैं तब पूछ ले, तब तो 7 हो जाते हैं, ठीक है? और यदि मुख्यता लग के आ जाए तो वहाँ पर आंसर आपको 5 प्रकार देना है, ठीक है? ये देख लेंगे। फिर बात करेंगे कोण होते कौन कौन से हैं, तो आपका कोण होता है एक न्यून कोण, मुख्यता में लिखेंगे न्यून कोण, ठीक है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। बात करें अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है? समकोण भी होता है, समकोण भी हो जाएगा। नंबर 3 बात करें ऋज कोण या सरल कोण, ठीक है? सरल कोण भी होता है। और एक आपका अगला हो जाएगा जो वो बृहत कोण हो जाएगा, ठीक है? बृहत कोण। तो ये मुख्यतः आपके 5 प्रकार हो जाते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, सरल कोण और बृहत कोण, ठीक है? ये तो मुख्यता में आ जाते हैं। अब बाद में वहीं पर आपके जुड़ जाते हैं कि एक जो लास्ट वाला होता है कंप्लीट एंगल, ठीक है? और वहाँ पर 0 एंगल, 2 जुड़ जाते हैं साथ में, तब ये कोण कितने प्रकार हो जाते हैं? 7 प्रकार हो जाते हैं। जो लास्ट वाला आपको होता है कंप्लीट एंगल और 0 एंगल, जब 2 जोड़ देते हैं 5 में, तब ये 7 आपके हो जाते हैं। मुख्यतः तो 5 ही प्रकार के होते हैं कोण। तो ये चीज़ें तो आपको सभी को पता ही है। आगे देखेंगे, ठीक है? अब कोण के परिभाषा पूछे तो कोण परिभाषा पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक दिन पहले बता चुके कि किन्हीं 2 रेखाओं के बीच कोई 2 रेखाएं जहाँ पर मिलती हैं, जैसे ये रेखा है और एक यहाँ से रेखा जाके मिल जाए, तो या किसी रेखा की किन्हीं 2 रेखाओं के बीच झुकाव जो होता है उसको भी बोल सकते हैं। जहाँ पर 2 रेखाओं का झुकाव होता है वहाँ पर कोण प्राप्त होता है, तो सभी को पता है, तो पिछली क्लास में हम बता चुके थे, ठीक है? किन्हीं 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। या किन्हीं 2 रेखाओं को जो मिलने पर जो मिल जाते हैं जाकर के, वहाँ
वहाँ पर भी जो मिलन होता है वहाँ पर भी उसे कोण बोल देते हैं, ठीक है। किन्हीं दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कह लेते हैं। लिखने के लिख सकते हैं किन्हीं दो रेखाओं के बीच के, किन्हीं दो रेखाओं के बीच झुकाव, ठीक है, जो झुकाव होता है को कोण कहते हैं, ठीक है। लिख दिया, पहले बता चुके थे, ठीक, परभाषा पिछली क्लासों में भी बता चुके थे। तो मुख्यतः पांच प्रकार के कोण कितने प्रकार, यदि मुख्यतः लिख के पांच प्रकार, वैसे सात प्रकार होते हैं, ठीक। न्यून कोण, न्यून कोण आप पता है कि जीरो से लेके 90 के बीच, और नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अंश का, ठीक है। ये अंश जो होता है 90 अंश ऐसे, ठीक है। कोण की मापक इकाई यदि देखें तो किसे अंश से मापते हैं, ठीक है, ये तो सभी को पता है, अंश पर लिखा होता है 0 अंश, 90 अंश, ठीक है। अधिक कोण क्या हो जाता है, 90 से अधिक, 90 से लेकर 180 के बीच, 90 से अधिक 180 बीच, तो ऐसे याद कर लें 90 से 180, ठीक है। समकोण 90 अंश ही होता है पूरा, ठीक है। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। सरल कोण क्या होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। और बृहत कोण क्या होता है, 180 से अधिक, 180 से शुरू होगा और 360 पर ख़त्म हो जाएगा, तो इनके बीच इतना तो ये हो जाता है। जीरो कोण, जीरो कोण होता है और जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 का होता है, ठीक है। यदि कोण सात वाले में देखें तो वहाँ पर कंप्लीट एंगल आता है, लास्ट वाला पूर्ण कोण, पूरक कोण बोल देते हैं, ठीक है। और 90 अंश के जो योग होता है कि नहीं, दो कोणों को इनको कोट पूरक भी बोलते हैं, ठीक है, कोट पूरक कोण, ठीक है। इनके कोणों का योग कितना हो जाता है कोट पूरक कोण में, किन्हीं दो कोणों का योग, जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश हो जाता है, ठीक है। जब कोई दो कोण दिए गए उनका योग 90 अंश हो जाता है तब ऐसे कोणों को क्या कहते हैं, कोट पूरक कहते हैं। कोट पूरक कोण होते हैं, जैसे 45 एक हो गया तो दूसरा भी इसका कोट पूरक क्या होगा, 45 ही होगा, क्योंकि इन दो कोणों को योग को ही जब 45 प्लस 45 करें 90 हो जाएगा, तो कोट पूरक कोण क्या कहलाते हैं, जब किन्हीं दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आपको प्राप्त हो तो कोट पूरक कोण भी कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे कोण, तो ये तो समकोण तो 90 अंश होता ही है, लेकिन यदि कोट पूरक की बात करें तो कम कोट पूरक कोणों का योग कितना होता है, का योग कैसे, कोट का योग लिख सकते हैं, ठीक, का योग 90 अंश होता है, तो लिखा है, ठीक, 90 अंश कोट पूरक कोण को योग होता है। तो देख लेंगे इसमें कोण मापने के बाद अंश होती। अब एक बात और करें, यदि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कोई त्रिभुज बना है, ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी यानी बंद आकृति होनी चाहिए। कोई तीन भुजाएं हैं तो उसकी आकृति, ये भुजाएं तो तीन हैं, मतलब तीन रेखाएं हैं, ठीक है। यदि हम बंद नहीं करेंगे तो क्या त्रिभुज प्राप्त होता, नहीं प्राप्त। तो तीन भुजाओं या तीन रेखाओं द्वारा घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कह देते हैं, ठीक है। जब इसमें आपको लिखा होता है जैसे ए बी और सी, यहाँ पर कोण लिखा है 60 अंश, देखेंगे ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा, कोण 60 अंश जैसे लिखा है, तो इनको कोण में लिखने के लिए जो कोण में ऐसे करके साइन बनाते हैं कोण का, तो डायरेक्ट कोण लिख लेते हैं, नहीं तो ऐसा साइन बनाते हैं, ठीक है। लिखने के लिए कोण बी बराबर लिख सकते हैं ऐसे, तो लिख दिया 60 अंश, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, कोण बी बराबर 60 अंश, जो बी दिया गया, ठीक, ए बी सी कोण दिया गया, त्रिभुज दिया गया, ठीक, ए बी सी आपको त्रिभुज दिया गया है जिसमें आपको बी कोण 60 अंश है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन जब पूरा का उपयोग करें, जैसे कोण ए बी सी है, पूरे का त्रिभुज, पूरे का त्रिभुज लें, ए बी सी लें, जब त्रिभुज में ए बी सी लें, तब इसको कोण को दर्शाने के कैसे कैसे लिखते हैं, तो जो जिस कोण का मान बताना होता है उसको हमेशा आप बीच में लिखेंगे, ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, ये बीच में लिखते हैं, ठीक, ए बी सी जो होता है जिसका कोण आपको बराबर में लिखना है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। तो ए बी सी बराबर कितना होगा, यहाँ पर 60 अंश, ठीक है, ए बी सी 60 अंश होगा। जैसे यहाँ पर हम मान लें यदि 70 है, कुछ भी है मान ले रहे 70 है, ठीक है, तो जब यहाँ पर लिखेंगे कोण ए और सी और बी बराबर 70 अंश, ठीक है, तो यहाँ पर जो सी आया है वो 70 अंश के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो जिसका भी कोण लिखते हैं उसको हम हमेशा बीच में लिखते हैं, ठीक, ये ध्यान रखेंगे कभी लिखने के लिए, आपको इसमें ये याद होना चाहिए, जैसे कोण ए बी सी लिया तो बी बीच में रहेगा तो उसी का कोण पता चलता है। तो इसमें ये बात आपने कोण में सीख ली, ठीक है, कोण में आपने क्या क्या जाना, किन्हीं दो रेखाओं के बीच के जो झुकाव होता है वहीं पर हमको कोण प्राप्त होता है। कोण मुख्यतः पाँच प्रकार
पांच प्रकार के होते हैं, वैसे कोण सात प्रकार के आप होते हैं। बात करेंगे न्यून कोण, 0 से 90 अंश के बीच होता है। अधिक कोण की बात करें, 90 से अधिक होगा, 180 से कम होगा। समकोण की बात करें, 90 अंश होता है। कोट पूरक कोणों का योग भी 90 अंश होता है, एक साथ पढ़ते जाएंगे। आगे बात करें सरल कोण, सरल कोण या रिज कोण, ठीक है, सरल कोण या रिज कोण स्ट्रेट कोण होता है, ठीक है, या रिज कोण 180 अंश होता है आपका। बृहत कोण की बात करें तो 180 से अधिक होता है और 360 से आपका कम होता है, ठीक है। इसमें मापने की इकाई कोण को अंश से लिखते हैं, ये भी देख लिया आपने। और इसमें देख लिया, जब कोई त्रिभुज आपको दिया है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, बंद आकृति होनी चाहिए, ठीक है। इसमें यदि आपको कोण लिखना है तो कोण कैसे लिखते हैं, ऐसे एक तरीका तो ये है कि कोण बी लिखना है, आपने कोण बी बराबर 60 अंश लिख दिया, ठीक है। यदि आगे बात करें, जैसे आपको पूरे त्रिभुज लेकर के लिखना है तो कोण ए बी सी, तो बी जब लिया है तो बी बराबर यहाँ पर 60 अंश जैसे दिया गया है, तो बी लिखने के लिए जो बी आपने ये लिखा है, बी का कोण लिखा है, बी का कोण, तो उसको हमेशा हम ए बी सी, तो उसको हम बीच में रखते हैं, ये ध्यान रखना, जिसका कोण लिखा है उसको हमेशा हम बीच में रखते हैं, ये इस बात को याद रखेंगे। जैसे ए सी बी बराबर यहाँ 70 अंश है, तो सी का जब हमने कोण ये लिखा है तो इसको हम बीच में रखते हैं, इन चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। आगे जब यदि आपको आगे अभी त्रिभुज वर्ग और आयत ये जब पढ़ाएंगे चतुर्भुज आगे, तब उसमें ही आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही सीखना है, ज़्यादा कुछ सीखना नहीं। अब हम यदि बात कर लें यहाँ पर आपके कोण पहचानने की, ठीक है, यदि हम बात कर लें कोण पहचानने की, कैसा कोण होगा यदि कोण बना है, ठीक है। जैसे आपको कोण दे दिया गया, ये तो सभी लोग पहचान लेंगे, ऐसे करके सीधा स्ट्रेट, ये तो सभी लोग बता देंगे कि 90 अंश समकोण है, ठीक है। यदि आपको ऐसे दे दे कि यूं जा करके ऐसे दे दे, ठीक है, थोड़ा तिरछा रखे ऐसा करके ऐसा, तब ये कैसा हो जाएगा ये, ठीक। अब बताएंगे ये कोण कैसा हो जाएगा, बताएंगे जल्दी, जब बाहर की तरफ हो, सीधा ना हो के थोड़ा बाहर की तरफ हो, तो इसको क्या कहेंगे, देखेंगे बताएंगे। जैसे ऐसे है, इस कोण को क्या कहेंगे, जब ये बाहर की तरफ, ऐसे कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, क्योंकि देखेंगे आप यहाँ पर ज्यादा ही बन रहा होगा, ठीक है। 90 तो ये हो गया यहाँ पर, और 90 से अंदर आएंगे तो यहाँ से 30 40 50 60 90 हो गया। 90 से जब अधिक, 90 से अधिक हो गया तो कौन सा प्राप्त हुआ आपको, जब 90 से अधिक हो गया, ये तो 90 हो गया मान लिया, ये 90 हो गया, ठीक है, डॉटेड वाला। और जब 90 से अधिक हो गया तो इसको क्या कहेंगे, अधिक कोण। 90 से अधिक को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। यदि आपको ज्यादा करके अब ऐसा करें कि ये लाइन है और सीधा इधर, और लेकिन ये जो कोण वाला साइन है ऐसे दे दी, तब कौन सा कोण हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से ज्यादा चल गया है, अब 180 से ज्यादा चल जाएगा, ऐसा कर दें, ठीक, ऐसा, तब ये कौन सा कोण हो जाएगा, ज्यादा चल गया तो देखेंगे 180 से अधिक हो जाएगा, ये बाहरी वाला कोण देखेंगे, बना दिया क्वेश्चन, ठीक है। इससे प्रदर्शित हो रहा है कि बाहर वाला कोण पूछ रहा है, ठीक है, बाहर कोण पूछ रहा है। तो बाहर कोण जब देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 180 से अधिक होगा, 180 से अधिक होगा, तो ये ऐसे कोण को क्या कहते हैं, बृहत कोण, ठीक है, बृहत कोण कहते हैं, देख लेंगे आप, ठीक है। तो जब ये 90 से अधिक हो जाएगा तो अधिक कोण, ये तो समकोण की बता ही रहा, 90 कोण है। जब इससे अंदर यदि कर दे ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो कहीं ये 30 अंश का बता रहा होगा, ठीक है, या 60 अंश या 30 रह, तब इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे आप। यदि आपसे यदि कहीं आपको आकृति दे दे, पूछ दे, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, आकृति बन के आ जाए तो आप बता देंगे कि यदि अंदर की तरफ है, 90 से अधिक अंदर की बात कर रहा है तो न्यून कोण हो जाएगा, यदि 90 से बाहर की तरफ है, ठीक है, तो अधिक कोण हो जाएगा, और इधर है नीचे, तो कोई साइन तो बना ही दिया, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने कोण के बारे में समझ लिया पूरा, आपने समझ लिया होगा इसमें कोण में। और यदि देखेंगे कोण बनाने के लिए कल बता देंगे, और आगे उसमें आपको वर्ग है, आयत है, ये कल आपको पढ़ा देंगे, तो कल से आपकी ज्योमेट्री मतलब खत्म हो जाएगी लगभग, ठीक है। कल आपका वर्ग आयत और कोण बनाना सिखा देंगे, बनाना वैसे बता तो चुके हैं, लेकिन कल और बनाना सिखा देंगे, काफ़ी लोग सीख के भी आएंगे, ठीक है। ये आपका काम रहता है, काफ़ी रोज एक एक नंबर करके भी यदि आप तैयार करें तो 25 दिन में आपका
पूरे में पूरे आने के चांस हो जाए। ठीक है, रोज एक नंबर का याद करिए, रोज एक नंबर आप तैयार करिए अपना, तो 25 दिन लगेंगे आपका पूरा हो जाएगा। ठीक, मैथ पूरी हो जाएगी 25 दिन में। ये टारगेट रखना है आपको कि एक क्वेश्चन मतलब एक नंबर हमको रोज़ तैयार करना है, एक नंबर हमको रोज़ तैयार करना है, तो 25 दिन में आप पूरा तैयार कर सकते हैं पूरी मैथ, मतलब आपके जितने आते सिलेबस में। बस टारगेट होना चाहिए कम से कम एक नंबर, कितना एक नंबर, एक नंबर कितना, आप यदि एक नंबर रोज़ याद करें, एक नंबर का तैयार करें, बस ऐसे ही परीक्षा निकल भी पाती है जब एक एक नंबर करके, एक दिन में थोड़ा कोई 15-20 नंबर का याद कर पाता है, एक एक नंबर करके करते। ठीक है, आगे बात करेंगे जिनको नोट्स लेने हैं। ठीक है, यदि बात करें नोट्स लेने हैं जिनको, तो वो क्या करेंगे, 94 11 96 91 20। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, 94 11 96 91 20 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, जिनको नोट्स लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करके जाएंगे क्लास को। तो मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद।